तो राजस्थान हाईकोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर पूरी नहीं हुई सुनवाई, आज जारी रहेगी कानूनी चढ़ाई, आज फैसले की उम्मीद। सचिन पायलट पर अशोक गहलोत का अब तक का सबसे बड़ा हमला, बोले नकारा होने पर भी कम उम्र में मिला सम्मान। हम जानते थे कि निकम्मा है, नकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ। अशोक गहलोत के आरोपों पर सचिन पायलट ने पूरी तरह से खारिज किया, बोले मेरी छवि खराब करने की कोशिश, दुखी हूँ, हैरान नहीं। आज अशोक गहलोत खेमे के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का संसदीय खेज आरोप, कहा सचिन पायलट गुट ऑफर कर रहा था 35 करोड़, पायलट खेमा करेगा मानहानि का केस। प्रधानमंत्री के भूमि पूजन में हिस्सा लेने की खबरों पर सियासत तेज, शरद पवार को उमा भारती ने बताया रामद्रोही। शरद पवार को मिला दिग्विजय सिंह का साथ, बोले मैं सहमत हूं, काश मोदी और शाह आपके कहने पर चलते। शरद पवार की राह चले कांग्रेस के हुसैन तलवई, प्रधानमंत्री के संभावित अयोध्या दौरे पर दी नसीहत, बोले सोमनाथ के उद्घाटन में नहीं गए थे नेहरू। अयोध्या में जोर शोर से चल रही है भूमि पूजन की तैयारियां, संतों को बेसब्री से प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार। आज यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जाएंगे अयोध्या, भूमि पूजन की तैयारियों का लेंगे जायजा। कैलाश विजयवर्गीय ने 5 अगस्त की तारीख को बताया ऐतिहासिक, कहा 2019 में खत्म हुई धारा 370, 2020 में होगा राम मंदिर का भूमि पूजन, राम मंदिर को और भव्य बनाने की तैयारी तेज, आज तक को मिली नए मॉडल की पहली तस्वीर, अब दो नहीं बल्कि 3 मंजिला बनेगा राम मंदिर। राम मंदिर की ऊंचाई 128 फीट से बढ़ाकर 161 फीट की गई, पहले जैसा ही रहेगा राम मंदिर का मूलभूत ढांचा। राम मंदिर का नया नक्शा तैयार करने में जुटे वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा, गर्भगृह और सिंह द्वार के नक्शे में नहीं होगा कोई भी बदलाव। करीब 100 से 120 एकड़ जमीन पर बनेगा राम मंदिर, दुनिया में 5 गुंबदों वाला पहला मंदिर। देश में कोरोना ने एक दिन में आंकड़ों में फिर तोड़ा रिकॉर्ड, 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा बीमार, 11,18,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 681 लोगों ने गवाई जान, अब तक 27,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। कोरोना के आंकड़ों में महाराष्ट्र सबसे आगे, महाराष्ट्र में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा बीमार, राज्य में संक्रमितों की संख्या 3,18,000 के पार। पुणे में कोरोना विस्फोट, एक दिन में 1,800 से ज्यादा मामले, 24 घंटे में 31 मौतें। दिल्ली में नए कोरोना मामलों में बड़ी गिरावट, पिछले 24 घंटे में 954 केस, 1,23,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। दिल्ली में 27 मई के बाद पहली बार 24 घंटे के अंदर 1,000 से कम मामले, एक्टिव केस की तादाद घटकर 15,000। मध्य प्रदेश में कोरोना की तेज रफ्तार, एक दिन में 710 नए मामले, कुल मामले बढ़कर हुए 23,000। यूपी में एक्टिव केस की तादाद 19,000 के पार, वायरस संक्रमण के करीब 2,000 नए मामले। कर्नाटक में भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर, एक दिन में सिर्फ बेंगलुरु में 1,500 नए मामले। हरियाणा में कोरोना रोगियों की तादाद 26,000 से ज्यादा, एक दिन में करीब 700 नए मामले पहुंची 26,858 पर। आज एक दिन में रिकॉर्ड 694 कोरोना वायरस 226 पॉजिटिव रोगी भर्ती। दिल्ली में मंत्री सत्येंद्र जैन ने देश में बताया कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड, कहा 10 लाख मरीज कम्युनिटी स्प्रेड नहीं तो क्या है ये। कोरोना से 64 साल के बुजुर्ग डॉक्टर की मौत, दिल्ली जल बोर्ड की डिस्पेंसरी में ड्यूटी के दौरान हुए थे संक्रमित। दिल्ली के जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से निकाले गए नर्सिंग स्टाफ का हंगामा, मुख्यमंत्री का पुतला फूंका, जमकर प्रदर्शन। योगी सरकार ने यूपी में कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन को दी मंजूरी, कड़ी शर्तों और प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, होम आइसोलेशन के साथ ज्यादा से ज्यादा टेस्ट भी जरूरी, दिल्ली के मॉडल को अपना रहे हैं बाकी राज्य। दिल्ली एम्स में शुरू हुआ कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल, 1,800 वॉलंटियर्स ने रजिस्टर कराया नाम, 2 से 3 महीने में रिजल्ट आने की उम्मीद। पहले फेज में 18 से 55 साल की उम्र के स्वस्थ लोगों पर दवा का परीक्षण, दूसरे फेज में 12 से 65 साल के लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। 3 फॉर्मुलेशन ट्राई किए जाएंगे, सार्स कोविड जो वैक्सीन है उसके 3 सब यूनिट्स ट्राई किए जाएंगे, और पहले फेज में हम ये देखते हैं कि सेफ है और डोज रेंज देखते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से डेवलप वैक्सीन के अच्छे नतीजे, 1,000 से ज्यादा लोगों पर 2 फेज का ट्रायल पूरा। वैक्सीन के लिए बड़े देशों में भी मारामारी, ब्रिटेन ने फाइजर के साथ किया 9 करोड़ वैक्सीन खरीदने का करार।
हिंगोल में स्वाभिमानी क्षेत्रधारी संगठन पर दूध टैंकर को आग लगाने का आरोप, टायर पर पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग। क्राइम को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होने पर एसपी कलेक्टर पर गिरेगी गाज। गोपालगंज में 3 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, कई सालों से थे फरार, अवैध पिस्तौलें बरामद। विकास दुबे मामले में उज्जैन पुलिस को मिलेगा इनाम, इनामों के हकदारों का फैसला करने के लिए बनाई कमेटी। लखीमपुर खीरी में गौ तस्करी के मामले में इनामी बदमाश गिरफ्तार, 3 साल से था फरार। जबलपुर में कुछ लोगों ने रोड पर महिला की बेरहमी से पिटाई की, पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश। दिल्ली में बिजनेस में घाटा होने पर पकड़ी गुनाह की राह, दूसरे कारोबारी से मांगी 2 करोड़ की रंगदारी। अलीगढ़ में एसडीएम ने दंपत्ति से की अभद्रता, दंपत्ति ने एसएसपी से शिकायत की। चंद्रपुर में नामचीन कंपनी के नाम पर फर्जी तंबाकू बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई, 3 आरोपी गिरफ्तार। पटना नेवी के कैप्टन के घर करोड़ों के जेवर चोरी, खिड़की काटकर घर में घुसे थे चोर। 12वें बैंक के अंदर 22 लाख रुपए का बैग लेकर चोर हुआ फरार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। जालौर में बदमाशों ने घर में घुसकर किया अंधाधुंध फायरिंग, रंजिश में किया गया हमला। सहारनपुर में घर में संदिग्ध हालत में मिली लड़की की लाश, पुलिस ने कहा कत्ल हुआ। देवरिया में 70 साल के बुजुर्ग के अपहरण के मामले का खुलासा, शाबुद्दीन गैंग के एक शूटर समेत 2 गिरफ्तार। मेरठ में एनकाउंटर, 50,000 का नामी बदमाश पकड़ा गया। कानपुर में विकास दुबे के सहयोगी जय वाजपेयी को गिरफ्तार किया गया, 15 दिनों से हो रही है पूछताछ, एसटीएफ कर रही है मामले की जांच। जय वाजपेयी ने पुलिस पर लगाए हैं आरोप, बोला घर से बुलाकर की गिरफ्तारी, विकास से 2 महीने से नहीं हुई थी कोई भी बातचीत। विकास दुबे के साथी दयाशंकर की राशन दुकान पर आपूर्ति विभाग की टीम ने मारा छापा, 300 से ज्यादा राशन कार्ड और स्टॉक रजिस्टर बरामद। विकास दुबे एनकाउंटर की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने पूछा इतने मामलों में आरोपी को कैसे मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने तलब किए विकास दुबे की जमानत से जुड़े संबंधित आदेश, कहा यह सिस्टम की नाकामी को दर्शाता है। सहरसा में नदी का तटबंध टूटा, कई गांव में घुसा कोसी नदी का पानी। मधुबनी में बारिश का कहर, डीएमएसपी और जिला जज समेत सभी अफसरों के घरों में घुसा पानी। पटना में भी 2 घंटे की बारिश में खुली पोल, सीआरपीएफ कैंप में पानी घुसा, थाने के अंदर भी पानी। रक्सौल में सड़क से लेकर हॉस्पिटल तक हर जगह बाढ़ जैसे हालात, अस्पताल में ब्लड बैंक से लेकर कई और जगहों पर भरा पानी। असम में बाढ़ से हालात और बिगड़े, अब तक 84 लोगों की मौत। असम के बंगाईगांव में बाढ़ से सड़क टूटी, दिक्कत से परेशान गांव वालों का प्रदर्शन। असम के चौधरी बाजार में आफत की मार, पूरा गांव जलमग्न, नदी के तटबंधों पर ली शरण। बाराबंकी में उपंती नहर के बीच बच्चे कर रहे स्टंट, घर वालों से लेकर पुलिस और प्रशासन किसी का ध्यान नहीं। पिथौरागढ़ में बादल फटने से तबाही, 14 लोगों की मौत। ग्वालियर में सिद्ध नदी में नहाने गए 3 युवकों की डूबने से मौत, प्रशासन ने परिजनों को दी आर्थिक मदद। चमोली के पीपलकोठी में NH-58 पर भरभराकर गिरा पहाड़, 2 बाइक और 1 सुमो मलबे की चपेट में। भूस्खलन से ठप हुआ बद्रीनाथ हाईवे, फंसे लोगों का पहाड़ी के रास्ते रेस्क्यू किया जा रहा है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनात। राजस्थान के धौलपुर में मूसलाधार बारिश, दरिया में तब्दील हुई सड़कें, जनजीवन अस्त व्यस्त। असम में कोरोना संकट के बीच कुदरत बरपा रही है कहर, बाढ़ और महामारी की वजह से अब तक 142 लोगों की जान गई। असम में बारिश की वजह से सभी नदियों में उफान, बरपेटा जिले के सभी गांव डूबे, राहत का काम जारी। यूपी के प्रतापगढ़ में पिस्टल में फंसा कारतूस, एडीजी ने सब इंस्पेक्टर को दी सजा। सिद्धार्थनगर में नदी में तैरता दिखा मगरमच्छ, नदी में नहाने जाते लोगों में फैला डर। हिमाचल में बस किराया बढ़ने से लोग खफा, 25% की हुई है बढ़ोतरी। बारामती में डेयरी किसानों ने दूध गिराकर जलाया, दूध की सही कीमतें न मिलने पर खफा। अनाज की स्टॉक सीमा हटाने का विरोध, किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। दिल्ली के कई इलाकों में रात को हुई अच्छी बारिश, वेस्ट दिल्ली की कॉलोनियां तरबतर, नई दिल्ली के इलाकों में भी रात भर झमाझम बारिश, जलजमाव की आशंका। गुवाहाटी में 3 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद खुली दुकानें कुछ शर्तों के साथ, सरकार ने दी है इजाजत। पीपलकोठी के पास भूस्खलन के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने निकाला। गाजियाबाद की सोसायटी ने कोरोना के खिलाफ खुद छेड़ी जंग, सोसायटी में ही बनाया आइसोलेशन सेंटर।
रायसेन के बरेली उपजेल में कोरोना विस्फोट, 64 कैदी हुए संक्रमित, 3 जेल गार्ड भी चपेट में आए। ग्रेटर नोएडा में पुलिस एनकाउंटर, शातिर बदमाश को लगी गोली। गाजियाबाद में पत्रकार को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। विशाखापट्टनम के सुपरमार्केट में लगी आग, कोई हताहत नहीं। अप्रैल से जून के बीच सोने का आयात 94% घटा, 3 महीने में विदेश से केवल 5,160 करोड़ का सोना भारत आया। आयकर विभाग ने 8 अप्रैल से 11 जुलाई के बीच 21 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स को जारी किया रिफंड, 71,229 करोड़ रुपए किए गए रिफंड। 2023 में 12 प्राइवेट ट्रेनों का आएगा पहला सेट। रेलवे की टाइमलाइन के मुताबिक 2027 तक सभी 151 गाड़ियां पटरी पर आ जाएंगी। वाराणसी इंदौर समेत 6 हवाई अड्डे प्राइवेट कंपनियों को दिए जाएंगे। निजीकरण की तैयारी में जुटी एआईए ने तैयार किया है कैबिनेट नोट।